देखिए यहाँ पर आपका टॉपिक है सिंटेक्स, SYNTAX। देखो एक्चुअली सिंटेक्स का मतलब क्या होता है, तो सिंटेक्स का मतलब यही होता है अरेंजिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इन अ करेक्ट मैनर। बस ये आप सीधा बोल सकते हो करेक्ट अरेंजमेंट। ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में जो शब्दों का होता है करेक्ट अरेंजमेंट करना ही क्या कहलाता है, सिंटेक्स कहलाता है। अब यहां पर दो है, चूंकि लैंग्वेज जनरली दो है ना, एक तो हिंदी और एक इंग्लिश। तो अभी हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश में करेक्ट अरेंजमेंट का मतलब नॉर्मली एक मोटा मोटा फॉर्मेट क्या होता है, तो फॉर्मेट होता है सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में क्या होता है वर्ब होता है। अब वर्ब की दो कैटेगरी होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट अदर, ये सारी चीजें होता है जनरली यही है। हिंदी का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद अदर या ऑब्जेक्ट होता है, और लास्ट में वर्ब होता है, यही चीज है। मतलब इस फॉर्मेट में सेंटेंस में वर्ड्स को अरेंजमेंट करना क्या कहलाता है, सिंटेक्स कहलाता है। लेकिन यहां पर कुछ ऐसी चीजें, कुछ रूल होती हैं, है ना। अब एक चीज और है, सिंटेक्स मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं ना कि सिंटेक्स एक ऐसा चैप्टर है या एक ऐसा टॉपिक है ग्रामर में, जो इंग्लिश लिखने के लिए, सही इंग्लिश लिखने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट रूल है ये सारे के सारे रूल को इंक्लूड करके बैठा है। मतलब सिंटेक्स जो है इट इंक्लूड्स ऑल रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये इंग्लिश ग्रामर के हर रूल्स को लेकर बैठा है। मतलब इंग्लिश ग्रामर में कोई भी टॉपिक हो, नाउन है तो नाउन से रिलेटेड सारा रूल मिल जाएगा। मतलब ऐसे समझ लो एक गोदाम है ना ग्रामर दादा का, यहां से आओ कोई भी प्रोडक्ट सारा प्रोडक्ट मिल जाएगा हर रूल को यहां पर। तो इसका मतलब हर रूल को इंक्लूड करके बैठा है, तो यहां पर कहीं ना कहीं हर टॉपिक को टच भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप टॉपिक को टच नहीं करोगे तब तक रूल हवा नहीं लगेगा, है ना। तो इसमें से जो पहला रूल है यानी कि पहला टॉपिक लिया गया है वो है आर्टिकल। वो क्या है, आर्टिकल है ARTICLE। अब आर्टिकल होता क्या है, तो आर्टिकल होता है ए एन और द को क्या कहा जाता है, देखो आर्टिकल होता है ए एन और द, इन्हीं को कहते हैं आर्टिकल, क्लियर है। एक्चुअली डिटरमाइनर होता है, लेकिन डिटरमाइनर में स्पेसिफिक रूप से ए एन द को ही क्या बोलते हैं, आर्टिकल कहते हैं। अब ये आर्टिकल में भी नौटंकी होती है, यहां पर आपको कहां आर्टिकल लगता है और कहां आर्टिकल नहीं लगता है। जहां आर्टिकल नहीं लगता है उसको बोला जाता है जीरो आर्टिकल, उसको क्या बोलते हैं जीरो आर्टिकल, या इसी को बोलते हैं वोमिशन, वोमिशन ऑफ आर्टिकल बोलते हैं, यानी कि आर्टिकल का लोप हो जाना, आर्टिकल का यूज ना होना। तो आपको आर्टिकल में भी दो तरह का आर्टिकल पढ़ना होगा, एक तो आर्टिकल ए एन द के यूज कहां होता है, और एक आर्टिकल ए एन द का यूज कहां नहीं होता, यानी कि जिसको जीरो आर्टिकल या ओमिशन ऑफ आर्टिकल बोलते हैं। अब यहां पर देखो आर्टिकल आपने कहा जनरली दो यही है ए एन द, तो इसमें क्या होते हैं आर्टिकल को दो कैटेगरी बनाई गई है। ए एन का नाम दिया गया है इंडिफिनिट, ए एन का नाम दिया गया है इंडिफिनिट आर्टिकल, और द को बोला जाता है डिफिनिट आर्टिकल। इस बेस पर कहा जाता है कि आर्टिकल दो टाइप का होता है, इंडिफिनिट आर्टिकल और इंडिफिनिट आर्टिकल, क्लियर है, ये दो टाइप का होता है। अब इसका नाम इंडिफिनिट क्यों रखा गया, देखो ध्यान से, इसका नाम इंडिफिनिट क्यों रखा गया, इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बढ़िया तरीके से भी समझना चाहिए। मैं कह दूं आई वॉच्ड अ मूवी, आई वॉच्ड अ मूवी, द मूवी वॉच फेवरेट, सॉरी
व्हाट्स फेवरेट, ये चीज है। देखो अभी मैंने छोटा ऐसे लिख दिया, मैंने एक मूवी देखी और वो मूवी कैसी थी, फेवरेट थी। और यहीं पर लिख देता हूं, एक तो द मूवी वाज फेवरेट, एक सेंटेंस ये लिख देता हूं और एक सेंटेंस में लिख देता हूं अ मूवी वाज फेवरेट। ये देखिए, तो आई वॉच्ड अ मूवी, इसका मतलब मैंने एक मूवी देखी। देखो मैंने एक मूवी देखी, पता नहीं है कौन सी, मतलब ये डिफिनेट नहीं, एक मूवी देखी। जैसे मैं सिनेमा हॉल में गया, मुझे नहीं पता था कौन सी मूवी चलेगी, क्लियर है, पहले से डिफिनेट नहीं था। तो मैंने एक मूवी देखी। अब दूसरी बात हम करें, द मूवी वॉच फेवरेट, और एक जगह करें अ मूवी वॉच फेवरेट। तो द मूवी मतलब वही मूवी जो मैंने देखी, क्योंकि द को क्या बोला जाता है, डिफिनिट आर्टिकल। तो द ने डिफिनिट कर दिया, और कोई मूवी नहीं बल्कि वही मूवी जिसको आपने देखा था, क्लियर है। लेकिन यहां पर अ मूवी वॉच फेवरेट, इसका मतलब मैंने एक मूवी देखी और वो मूवी फेवरेट थी। जो मूवी देखी उसकी बात नहीं, मैंने एक मूवी देखी और कोई दूसरी और मूवी फेवरेट थी। यहां पर क्या है, यहां डिफरेंट नहीं कि वही मूवी, मतलब ये अलग मूवी और ये अलग मूवी, क्लियर है। तो ए एन का यूज समझ में आया, जैसे आप सेंस कैसे निकालो। एक्चुअली यहां सब लोग कहते हैं ना द मतलब कुछ नहीं, अरे द मतलब बहुत कुछ होता है यार। सब लोग कहते हैं ए या एन का मतलब एक ही होता, नहीं ए या एन का मतलब बहुत होता है। अभी बताऊंगा, हैरान हो जाओगे तुम, हो गया 20 साल, ये क्या क्या निकल रहा है, मतलब एक अर्थ कोई भी निकलता है, पर भी निकलता है, किसी भी निकलता है, कई सारा निकलता है। यहाँ एक्चुअली द का अर्थ निकल रहा है वो, द का अर्थ किसे निकल रहा है, वो से, क्लियर है। और यहाँ आ का अर्थ निकल रहा है कोई और मूवी, यहाँ एक अर्थ क्या निकल रहा है, कोई और मूवी। तो चलो अभी आई होप ये डिफिनिट इंडिफिनिट समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब प्रश्न आता है कि ठीक है, ए एन को बोला जाता है इंडिफिनिट आर्टिकल और द को बोला जाता है डिफिनिट आर्टिकल, तो ए एन का यूज कहां होता है। तो देखो ए या एन का यूज होता है एस सी एन के लिए होता है, किसके लिए होता है, एस सी एन के लिए होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसका यूज कहां होता है, सिंगुलर के लिए, और वो काउंटेबल और नाउन होना चाहिए, यही तीन कंडीशन, क्लियर है। ए एन की यही तीन कंडीशन, आपको ये ध्यान देना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अभी दा को हटा देते हैं, क्लियर है, दा को कुछ देर हटा देते हैं। ए एन का यूज कहां पर होता है, सिंगुलर काउंटेबल मतलब नाउन के लिए तो होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन वो नाउन सिंगुलर होना चाहिए और वो नाउन क्या होना चाहिए, काउंटेबल नाउन होना चाहिए। अब थोड़ा सा बात करते हैं नाउन। नाउन आपने देखा था, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स और एनिमल्स, ठीक है, सरकारी जवाब यही होता है, है ना, बाकी ठीक है, हर चीज का नाम मतलब नाउन, आप भी नाउन, मैं भी नाउन, सब नाउन, क्लियर है। तो यहाँ नाउन आपने देखा था पांच टाइप का, प्रॉपर नाउन था, याद है कुछ, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्लियर है। देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ नाउन, यहाँ कॉमन नाउन है और यहाँ पर क्या है, प्रॉपर नाउन। तो ध्यान से देखना, एक्चुअली ये कॉमन नाउन, ये कलेक्टिव नाउन, ध्यान देना, ये कॉमन नाउन और ये कलेक्टिव नाउन, इनको रखा गया है काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। इनको किस में रखा गया है, काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में, और मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इनको रखा गया है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में, यूसीएन में रखा गया है, क्लियर है। प्रॉपर नाउन किस में जाएगा भैया, किस में जाओगे, प्रॉपर नाउन मतलब क्या, पार्टिकुलर नेम, ध्यान से समझना, प्रॉपर नाउन मतलब क्या, पार्टिकुलर नेम। अब देखो प्रॉपर नाउन को दोनों कैटेगरी में क्यों नहीं रखा गया है, पता है इसका रीजन, प्रॉपर नाउन बताता है कि पार्टिकुलर नेम, जैसे ऐसे समझो, आप कह रहे हो कॉमन नाउन मतलब क्लास को जो शो करे,
जो एक कैटेगरी को शो करे, है ना, उसे, जैसे मैंने बोला गर्ल, क्लियर, मैंने क्या बोला गर्ल, तो गर्ल में क्या हुई, सारी मतलब रीता, गीता, सुनीता, अनीता, प्रीता, मतलब जितनी भी लड़कियां हैं सब इसमें इंक्लूड हो गई, है ना, तो गर्ल में सारे आ गए, बॉय में क्या हो गए, सारे आ गए, अभी ऐसे समझो, ठीक है। कलेक्टिव नाउन में आपने ग्रुप किया, जैसे कई सारे गर्ल्स का ग्रुप बना दिया और रख दिया बेबी, बेबीज का ग्रुप, बेबी, बेबी मतलब क्या होता है ग्रुप, आप गर्ल्स तो आया समझ में बेबी, अरे ये बेबी, क्लियर है। तो ये क्या है आपका, या ये पुराना नया है, तो क्लास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, यहां से तो क्लियर है ना, नाम हुआ, अभी इतना क्लियर है। अच्छा, आप मटेरियल नाउन क्या होती है, सिंपल से जो कन्वर्टेबल, जैसे पानी, पानी से बर्फ बनेगा, मटेरियल नाउन है। वुड, वुड से चेयर बनेगी, टेबल बनेगी, मटेरियल नाउन। गोल्ड से तमाम प्रकार के गारलैंड्स, गले का हार, झुमका, नथनी, जो कुछ भी है सब बनेगी, तो क्या है, मटेरियल नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब फीलिंग, लव, किसी ने देखा है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, इतना करते हैं, अभी कहाँ इतना करते हैं, मतलब दिखता है क्या, केवल हम लोग फील करते हैं, फील का मतलब यही होता है, हाँ जनरली ठीक है, वो केयर, केयरनेस है, केयर कर रहा है, ठीक है, तो उसी को लोग क्या नाम दे दिए, लव, हेट, केयर करना बंद कर दिया, है ना, तो हेट हो गया। ऑनेस्टी, अपने काम डेडिकेशन के साथ किया जा रहा है, ऑनेस्टी हो गया। हार्ड वर्क, किसी को दिखता है हार्ड वर्क, नहीं दिखता है ना, तो जिनको हम केवल फील कर सके, डेट कैन नॉट बी सी और नॉर टच, जिनको ना तो देखा जा सकता है ना ही टच किया जा सकता, ओनली कैन बी फील, केवल फील किया जा सकता, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, मतलब फीलिंग्स को जो सकता। अब देखो, आप ऐसे समझो, आप रो रहे हो, आंखों से आंसू आ गया, ठीक है, तो आपने कहा आप रो रहे हो, क्लियर है। अब मान लो मैं बाहर गया, आंख में ऐसे पानी लगा है, ठीक, आप देखे आंसू गिर रहा है, भाई ये तो रो रहा है, ठीक है। तो देखो यहां से समझना, आप रो रहे हो इस चीज को, मतलब आपने नाम दे दिया कि वो रो रहा है, दुखी है, आपने नाम दिया, मतलब ये भले मैंने पानी लगा रखा है, ऐसे लगा लिया है, आप करो, आप लगता है आपको कोई प्रॉब्लम है, आप दुखी हो, क्लियर, तो आप दुखी हो, क्या आपने देखा कि हाँ दुखी, इसलिए दुखी है, नहीं, आपने देखा कि आंसू बह रहा है, चेहरा बना बना है, ठीक, तो इसलिए क्या दुखी है। तो देखो, उस फीलिंग का आपने नाम दिया, उस फीलिंग का आपने नाम दिया सैडनेस, आप एकदम हंस रहे हो, उस फीलिंग का नाम क्या दिया आपने, हैप्पीनेस। तो ये जो नाम दिया, देखो कॉमन नाउन का भी तो नाम है इनका, अब देखो प्रॉपर नाउन नाम को शो करता है, प्रॉपर नाउन अगर इनके पास आ गया, कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन की कटघरे में, मटेरियल नाउन चिल्लाएगा, हमारे तो नाम है, फीलिंग्स के नाम रखे नहीं तुम, हैप्पीनेस, सैडनेस। कन्वर्टेबल नाउन बोला, ऐसे पानी जो पीते हो उसका नाम आप रखे नहीं, पानी, नाम तो रखे हो, भले वो कन्वर्टेबल हो, तो भाई बवाल हो गए। प्रॉपर नाउन इसमें जाए कि इसमें जाए, मतलब प्रॉपर नाउन दोनों कैटेगरी में आ रहा है, देखो भाई नाम है, नाम तो इसमें भी है, नाम तो इसमें भी, तो ग्रामर दादा ने कहा अभी तू बाहर ही रहे, है ना, क्या कहा, अभी तू बाहर ही। तो एक चीज तो यहां से क्लियर हो गया कि ए या एन का यूज मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले नहीं होगा, मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले नहीं होगा, प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होगा, है ना। मैं जैसे आप कह रहे हो, आप रवि सर, आप क्या बोलते हो, यू आर रवि बोलते हो या यू आर रवि बोलते हो, आप सोच कर बताना, क्यों, रवि प्रॉपर नाउन है, लेकिन मैं कह दूं तुम्हें किसान, तब आप बोलते हो यू आर अ फार्मर, क्यों, क्योंकि फार्मर कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के पहले ए या एन लगेगा, लेकिन सिमिलर होने पर, सिमिलर होने पर, मैं कह दूं हम किसान हैं तो बी आर फार्मर्स, बी आर फार्मर्स, कई की बात कर दिए, क्लियर है, हम एक किसान हैं तो बी आर अ फार्मर, समझे थी? अच्छा, अभी समझ में आया, बोलो भाई, तो इसका यूज कौन से नाउन के पहले होगा, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, लेकिन जब ये क्या हो, सिंगुलर हो, तब, जब ये सिंगुलर हो तब, और ध्यान देना ए या एन केवल नाउन के लिए आता है। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, देखता हूँ सही कर पाओगे, आप तीनों मत बताना, आप बताना,
यू आर एन ऑनेस्ट, बताइए क्या सही है? नहीं। अच्छा, यू आर आ ऑनेस्ट, और एक और, यू आर द ऑनेस्ट, ठीक, और एक और, यू आर ऑनेस्ट, एक और है, यू आर एन ऑनेस्ट मैन, बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है? पहला बताइए, यू आर ऑनेस्ट गलत है सही है? गलत है। दूसरा? गलत है। तीसरा? यू आर ऑनेस्ट ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, ये गलत है। देखो पहला नंबर बधाई हो, आपका पहला गलत नहीं सही है, ठीक है, और दूसरा जो है बिल्कुल गलत है, और तीसरा जो है बिल्कुल गलत है, और चौथा जो है बिल्कुल गलत है, और पांचवा बिल्कुल सही है, डबल बधाई, कांग्रेचुलेशन, आप हार गए। मैंने क्या बताया कि ए या एन का यूज केवल केवल किसके लिए होगा बच्चा? दिमाग कहाँ है? नाउन के लिए होगा, या नाउन कहाँ है? यू आर ऑनेस्ट, अरे बहुत अच्छा है, नाउन है नहीं तो ए एन है भी नहीं, अरे गजब, सही है, ठीक। और यू आर एन ऑनेस्ट नाउन कहाँ है? नहीं है। यू आर ऑनेस्ट, अरे जब ए एन नाउन के लिए आएगा, नाउन नहीं है तो इनको नौटंकी करने से क्या मतलब, नहीं होगा। यू आर द ऑनेस्ट ये तो सवाल ही नहीं है, क्लियर है। और यू आर एन ऑनेस्ट मैन ये नाउन बाबा है, कौन से नाउन है? कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। और ये क्या है? एन। एन क्यों लगा? क्योंकि आ से साउंड आ रहा है। अरे एच से शुरू है सर, आ से आ रहा मतलब हां गुड। तो ये तो सबको पता ही रहता है कि ए का यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, किसके लिए? कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। और एन का यूज होता है वॉबल साउंड के लिए, क्लियर है। एन का यूज कहाँ होता है? वॉबल साउंड के लिए होता है। अब वॉबल साउंड में समझ रहे हैं, यहाँ एच साइलेंट रहता है, इसको बोला जाता है ऑनेस्ट, हाँ क्लियर है, एच नहीं बोला जाता है, क्लियर है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, चलिए बताइए, यूनियन ए लगेगा या एन लगेगा? एन यूनियन ए ई आई ओ यू, अरे गजब, क्योंकि वो है हाँ, A-E-I-O-U. A-E-I-O-U, अरे शक्तिमान, जब बोला गया वोबल साउंड, या क्या है, या क्या है, वोबल साउंड है ना, तो क्या लगेगा यार, ए लगेगा, हिंदी के साउंड से लेते हैं।